बचपन की फ्रेंड है चीनो शिलारना, और इनफैक्ट मेरे पहले पिक्चर के शूटिंग में इन्होंने भी ना तुम जानो ना हमने मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया था। तो आज इसके बाद हम साथ में आज शूटिंग कर रहे हैं फूड के लिए। तो ज़रूर ये शादी के बाद मैंने खाना बनाना सीखा। तो जब तक शादी हो गई उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। उसके पहले शी यूज्ड टू यूज हर ओवन एज अ कबर्ड, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज के लिए वो एक बार भी ऑन भी नहीं किया था। नाउ शी इज बिकम अ रियली गुड कुक एक्चुअली। या सब खाना बनाने की टिप्स, चीनू को एक फ़ोन लगा दो और अगर भरत को इम्प्रेस करना है तो नए नए रेसिपीज़ वो मुझे बताते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं एक सिंधी फैमिली से आती हूँ। मेरे इन लॉज सिंधी हैं, तो दे आर हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस एंड दे लव फूड भरत इज़ अ फूडी। तो उन्हें सी फूड बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने शुरू में पात्रानी मच्छी वो सीखा था बनाना, और फिर गोन करी, देन वेजिटेरियन खाउसवे एंड चॉकलेट फोंडो। या Quite a few things I've learned from her. And I'm very impressed क्योंकि actually ये सीखी है और करती है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। बहुत था, उन्होंने पूरा ख़त्म किया। और बेस्ट पार्ट इज अगला दिन उनका पेट में कोई गड़बड़ नहीं। आज हम चॉकलेट कपकेक्स विद चॉकलेट गनाश बनाने वाले हैं। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, और क्योंकि एशा ऑलरेडी चॉकलेट के डिजर्ट बनाती है, आई एम गोइंग टू जस्ट गाइड हर एंड शी इज गोइंग टू मेक इट। मम्मी तो कभी खाना नहीं बनाते थे पहले, लेकिन जब हम स्कूल में थे तो वी यूज्ड टू टेल माय मदर एवरीवन्स मदर कुक्स, सो यू प्लीज मेक समथिंग। सो शी स्टार्टेड लर्निंग फ्यू थिंग्स। माय मदर मेक्स वेरी गुड रसम। I was going to say rasam. Yeah, otherwise my sister and me, we enjoy cooking, so we cook and give her. अभी तो बीजेपी आई है, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर मोदी जी गंगा को क्लेंस करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और हम भी अपने तरफ से मेरी माँ आहना और मैं, हमने एनवायरनमेंट के लिए एक बैले भी क्रिएट किया है, जो हमने शोज भी किए हैं अबाउट। इट्स कॉल्ड गंगा। It's about how Ganga used to be happy and healthy and flourishing, and how sad Ganga is right now, because we all together being the citizens of India, हमें सबको मिलकर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। गंगा और यमुना दान तो दे रहे हैं वो, और मोदी जी आए हैं तो वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एंड डेफिनेटली गंगा इज गोइंग टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग अगेन। मैं आई डोंट मीन टू बी हार्श एंड रूड, मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होते हैं, सब सोचते हैं कि गंगा को गंगा में डाल दो तो पवित्र हो जाएगा, हमारे जीवन पवित्र हो जाएंगे, हमारा पूजा का जो महत्व है उसका फल मिलेगा अगर गंगा में डालेंगे। वो पहली बात है जो मैं रुकाना चाहूँगी, क्योंकि नॉट इवन गंगा, हमारे जुहू बीच सी में भी गणपति विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन हो, रिलीजन अलग बात है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट को पल्यूट करे। नहीं, गंगा को बचाने के इस मूवमेंट में ख़त्म तो नहीं हो रही है, क्योंकि रीमेक्स तो बनते रहेंगे। और अगर कोई और लैंग्वेज का फिल्म्स आर हैविंग गुड स्टोरीज देन दे लाइक टू अडॉप्ट इट, बिकॉज आवर ऑडियंस ऑल्सो एन्जॉयज इट। ख़त्म तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म खुला है अलग सिनेमा के लिए भी, जैसे अभी जो क्वींस आई थी या फिर सिटी ऑफ लाइट्स आई है। They are all original stories. I don't think they've been copied. मैं बताती हूँ, as being from Bollywood, at the end of the day our audience likes hero, heroine and villain. वो तीन चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती है, चाहे जितना भी कहानी बदलो हो। और बहुत सारे यंग नए राइटर्स हैं, तो उनका मदद लूँगी ज़रूर, उनको भी एक चांस दूँगी। According to me, being sunny side up would be, first of all, get up when the sun is rising. Your day will be sunny and bright. Get up early. Eat well, be healthy, and definitely try and work out. And be with your loved ones. Make at least 3-4 people smile a day. Seeing new people should have a smile on their face automatically, not grouch.